जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 7:30 बजे से कर रही हूँ और अभी मैं पी रही हूँ ब्लैक टी। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अब हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने, तो आप ब्लॉग में बने रहे, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार और आप बने रहे ब्लॉग में। अभी आपको बताते कि हम वहाँ क्या क्या लेके जा रहे हैं रास्ते के लिए, क्योंकि हमने करनी है ट्रैकिंग। दोस्तों हम करेंगे ट्रैक वगैरह, इसलिए हमने यहाँ पे पतीला रखा हुआ है, कड़छी रखी हुई है, इसमें हमने पानी रखा हुआ है, यहाँ पे भाभी रख रही है बिस्कुट वगैरह। तो हम जाने लग गए पैदल पैदल रास्ते में, बस हमारे साथ ही एक लड़की नहीं आई और मिलने वाली है थोड़ी देर में, और हमें जाना है वहाँ पहाड़ों में। बैग लेके जाएगा, मैं उसे ही पानी दूंगी। ये बोल रही है जो बैग लेके जाएगा उसे पानी दूंगी, तो मुझे ले जाना पड़ेगा बैग। देखो कितना भारी बैग है भाई साहब, कोई दया भी नहीं कर रहा मेरे पे कि मैं लेके जाती हूँ बैग, कोई भी नहीं कर रहा दया, मुझे खुद ही लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं ले जाऊंगी पानी पीने के लिए इसका बैग। बेटा तू भी बोल रही है। दोस्तों यहाँ पे ले रहे हैं खाने के लिए कुछ, क्या ले रहे तुम? दोस्तों पैदल चल चल के हो गई है हालत खराब और अभी तो हम बस रोड पे ही चल रहे हैं, अभी तो हमने चढ़ाई चढ़नी है। आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल 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 और यहाँ पे देख सकते हैं पी है 84 कुटिया, कभी किसी दिन आपको यहाँ जाके भी बताएंगे। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते तक ही आए हैं और अभी तो बहुत ज्यादा चलने के लिए है और बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा थक भी लग चुकी है। और यहाँ पे हम बैठ रखे हैं, पीछे देख सकते हो सबके साथ बैठ रखे हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे हमें एक सिंगर मिल गई है और आपको भी बताते कौन है वो हमारी सिंगर। दोस्तों यहाँ से ये वाला रोड वाला रास्ता तो होता है खत्म और अब हम जाएंगे पैदल मार्ग पे, यहाँ से बहुत ही चढ़ाई ऊपर चढ़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये लंगूर है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, उसकी पूंछ देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है सीधी सी। दोस्तों हमें रास्ते में ये दुकान दिखी और यहाँ पे ले रहे हैं हम खीरा, भैया हमारे खीरा बना रहे हैं काट के। दोस्तों आप यहाँ का रास्ता देख सकते हो कितना अच्छा है, बस थोड़ा ये है कि जिसको ज्यादा चलने की हैबिट ना हो उसको थक लग सकती है, हम भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। दोस्तों हमें रास्ते में मौनी बाबा का मंदिर मिल गया है, तो आप देख सकते हो अभी आपको बताते हैं मौनी बाबा का मंदिर। बाबा का मंदिर यहाँ जंगलों के बीच में, यहाँ इस गुफा के अंदर। दोस्तों ये है मौनी बाबा की गुफा और अब आपको अंदर जाके बताते हैं के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हो कितना अच्छा है, यहाँ पे मौनी बाबा जी की फोटो है और भी सारी मूर्ति, यहाँ पे त्रिशूल भी रखा हुआ है। और अब थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे एक गुफा है छोटी सी, देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी छोटी सी गुफा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है, इसके अंदर जाके आपको बताती हूँ। इस गुफा के अंदर जाके देख सकते हो आप, आज तो यहाँ पता नहीं इतना धुआं धुआं सा हो रखा है। और इसके नीचे भी एक गुफा है, पर यहाँ पे वो करते हैं क्या बेटा, क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान करते हैं बाबा। और ये देख सकते हो आप यहाँ अभी, यहाँ पूरा धुआं धुआं है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाहर जाते हैं, बताते हैं आपको बाहर जाके। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों यहाँ का व्यू आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये मंदिर है नीलकंठ वाले रास्ते में, जो कि ऋषिकेश से होके ऊपर आता है और ये मंदिर गुफा के अंदर जाके है। दोस्तों यहाँ की जानकारी बाबा जी बताएंगे हमें। ये तो यहाँ पर है 50 साल से पुरानी जगह, 50 साल से पुरानी। हाँ जी, अच्छा। 31 साल तो मौनी बाबा को पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा अच्छा, गए तो कैलाश का बोल के गए थे। अच्छा, कैलाशपुर। अच्छा, अभी तक लिया है। आप कब से हो यहाँ पे?
हम तो यहाँ आते रहते हैं, साल रह गए, दो साल रह गए, कभी छह साल रह गए। वैसे कहाँ रहते हो आप? रहते राजस्थान है, जोधपुर से। अच्छा, तो दोस्तों बाबा जी ने यहाँ के बारे में बता दिया। दोस्तों बाबा जी बोल रहे हैं कि ये गुफा यहाँ पे पहले से ही थी, हमेशा क्योंकि यहाँ पे रहते थे मोनी बाबा। दोस्तों तो अब हम जाते हैं यहाँ से सीधे ऊपर नीलकंठ, और वहाँ का रास्ता तो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो अभी हम वहाँ जाते हैं। फिलहाल देख सकते हो आप इन सबको, अब जा रहे हैं हम नीलकंठ। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। दोस्तों आप यहाँ का रास्ता देख सकते हो कैसे चलाई, ये आ रहे हैं अब नीचे से, और अब हम यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ेंगे। दोस्तों पैदल चल चल के हो गई हालत खराब, फाइनली आपको बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम, नीलकंठ। इनकी भी हालत खराब हो गई, ये बहुत धीरे बोल रहे हैं। हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर में, और आपको आज हम नीलकंठ का मंदिर बताएंगे, तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पे सबको भूख लग गई है, और ये सब के सब खा रहे हैं यहाँ पे कुरकुरे, चिप्स, नमकीन वगैरह, और ये हम दोनों का। और अब दोस्तों अभी हम ऋषिकेश से इतना ही चल के आ पाए, और यहाँ पे अंकल जी की दुकान है। यहाँ पे ऐसी दुकानें रास्ते में हर जगह पे लगी रहती है, क्योंकि यहाँ यात्रा वाले आते रहते हैं घूमने के लिए नीलकंठ। और अभी आपको ऊपर जाके बताते हैं नीचे का व्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये लंगूर कैसे बैठ रखे हैं, और कुछ यहाँ पे लाइन लाइन से सब के सब। आप देख सकते हो हम कितने दूर आ चुके हैं, और हम 2 मिनट में नीलकंठ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों फाइनली हम नीलकंठ पहुंच गए हैं, लेकिन अभी मंदिर के लिए इससे भी ज़्यादा है चलने के लिए। इनकी यहाँ पे चल रही है लड़ाई, मुझे भी दे। हम खा रहे हैं कौन से लड्डू है, लड्डू खा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, ये चौलाई के लड्डू। अच्छा चौलाई के लड्डू, चौलाई के लड्डू है, गढ़वाली में मारचू बोलते हैं हम इसको। दोस्तों हम फाइनली नीलकंठ पहुंच गए हैं, और अब हमें यहाँ पे खाने की दुकान दिखी है। फाइनली अब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और हमने मंगवा रखी है कढ़ी चावल, क्योंकि कहीं भी जाओ तो मतलब कि दाल भात खाने का ही मन करता है। तो आप बने रहे ब्लॉग में। दोस्तों अभी इसका और मेरा कढ़ी चावल नहीं आया, और इनको देख सकते हो आप कैसे ठूस ठूस के खा रहे हैं। दोस्तों हमारा कढ़ी चावल भी आ गया है। इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? ये है यहाँ पे नीलकंठ का गांव, और मंदिर वहाँ नीचे जाके है। तो ये है नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाने का रास्ता। दोस्तों नीचे मंदिर में जाके सबसे पहले यहाँ पे अंकल की दुकान आती है, और अंकल ने हमें यहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी दे दिया है। हाथ धो दिया, मिलते हैं नीचे मंदिर में जाके। अब हम यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। दोस्तों हम नीचे मंदिर में जा रहे हैं, हमने प्रसाद क्या ले छोरा, हम बोले हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए, और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। हर 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 महादेव। दोस्तों यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, और फिर मैं अंदर जाके वीडियो भी नहीं बना पाई, मिलते हैं बाहर आके। दोस्तों हम आ गए मंदिर से बाहर, और आपको नीलकंठ महादेव का मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर, और आप देख सकते हो ये मंदिर कितना ही सुंदर है, यहाँ बहुत सी दुकानें भी लगी हैं। दोस्तों हमें मंदिर में जाते जाते 4 ही बज गई, और घर के लिए हो रही है बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि अभी हमने पैदल पैदल घर भी जाना है, पता नहीं कब तक पहुँच रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है अब घर जाने के लिए। आप बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों हम आ गए नीचे मंदिर से ऊपर, और यहाँ पर सबकी हो गया हालत खराब, थक लग गई सबको।
दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर और उनको देखो कैसे जल्दी जल्दी भागने पे लगे हुए सबके सब। और दोस्तों हम घर से आके मैगी बनाने का सामान लेके आए थे, तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं मैगी। तो अब यहाँ पे खारा लगाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर हम इस पे खारा नहीं लगाएंगे तो ये साफ नहीं आएगा जब हम इसको धोएंगे, तो इसलिए इस पे पहले खारा लगाए जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे सामान निकाल रही हूँ बैग से, ये इस पे तेल, तो यहाँ पे प्याज टमाटर की कटनी हो गई, ये यहाँ पे टमाटर भी पड़ गया है। और यहाँ पे अब हम मैगी मसाला डाल रहे हैं। दोस्तों व्यू के साथ साथ में यहाँ पे देख सकते हो आप मैगी भी कितने अच्छे जगह भी बन रही है। दोस्तों यहाँ पे ये मैगी निकाल रही है और हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है जिससे कि हम इसे निकाल सके। अरे यार नीचे ना गिरे वो, बस भाई मैगी। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले मैगी दे रहे हैं इसको, आपको बताती हूँ किसे दे रहे माँ कसम नहीं गिरा मैगी। अब मैं भी जाती हूँ मैगी खाने, ये तो अभी मुझे भाव दे रहा है, उधर देख रहा है, यहाँ तो देख ही नहीं रहा, तो जब ये मैगी देखेगा तो खा लेगा, तब तक मैं अपनी मैगी खाती हूँ। दोस्तों फाइनली मुझे भी मैगी मिल गई है और देख सकते हो आप मैगी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। दोस्तों मुझे लग रहा है इसके लिए बहुत ही ज्यादा कम हो गई मैगी, ये ऐसे चाट रही है ना इस पतेलों को, क्या बोलूं, यहाँ इसकी इतनी मैगी भरी हुई है, उतनी मैगी किसी के पास। और इसको देखो यहाँ पे किस चीज से खा रही है, चाकू से। और उसको देख सकते हो कैसे खा रहे हैं यहाँ पे मैगी, मैगी मस्त बन रही है। खाना क्या बना रखी है, किस चीज की बना रखी है, इसकी चम्मच देखो, इसी पे खा रही ठंडा तो कम से कम। तो ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे खा खू के हम यहाँ से चले गए होंगे, हम यहाँ से यहाँ पे पूरा साफ करके ही जाएंगे घर। हमने यहाँ पे अच्छे से साफ कर दिया और अब जाते हैं हम घर। दोस्तों अब जाते हैं हम घर और रास्ते में अगर हम कुछ भी इंजॉय वगैरह करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। और एक इसका मन भी भरा खाते हुए भी, हम खा रहे हैं ये पेटिस वाले बिस्कुट। हेलो हुए क्या, तो अब हम सीधे घर जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत रात पड़ जाएगी और अभी हमें बहुत ज़्यादा चलना है। हमें आपको बता दूं कि अभी हमने कहाँ जाना है, हमने अभी उस नदी के पार जाना है। आप देख सकते हो यहाँ से कि अभी कितना दूर जाना है हमने पैदल पैदल, और आप ब्लॉग में बने रहे। दोस्तों बस एक लास्ट चीज़ बनी बची थी हमारे पास और ये भी म्यूट लगा दें, ये भी हम खा रहे हैं। अब जाते हैं हम सीधे घर। दोस्तों आप यहाँ का रास्ता देख सकते हो कैसे खतरनाक रास्ता है। और अभी हमें बहुत दूर जाना है चल चल के, क्योंकि रात भी पड़ने वाली है और यहाँ इस जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं। दोस्तों अभी शाम के टाइम यहाँ का व्यू और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों फाइनली हम जानकी सेतु पुल पहुँच गए ऋषिकेश और अब हम जल्दी जल्दी घर जाते हैं, आपको यहाँ का पुल दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों हमें ऑटो भी मिल गया और अब हम जल्दी जल्दी घर जाते हैं, घर वाले की कॉल भी आने में लगी हुई कि जल्दी घर आओ, मिलते हैं आपको सीधे घर जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मैं अभी अभी घर आई हूँ, मैंने अभी बाहर से ही देखा अंदर कोई आ रखा है और आपको बताती हूँ। दोस्तों यहाँ पे आ रखी है मेरी दादी जी,
आ रखी है। नमस्ते नहीं करे प्रणाम तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद हमने डिनर किया है और अब हो गया है सोने के टाइम। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।